बालोतरा में एक व्याख्याता द्वारा एक धर्म विशेष के खिलाफ विवादित टिप्पणी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। गुरुवार को मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मंडल ने जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले और इसका विरोध करने पर कॉलेज की छात्रा पर मोटरसाइकिल से हमला करने वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बालोतरा में एक व्याख्याता द्वारा एक धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी का मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। गुरुवार को एक समाज के प्रतिनिधि मंडल ने जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले और इसका विरोध करने पर कॉलेज की छात्रा पर मोटरसाइकिल से हमला करने के आरोपी पर कार्रवाई करने की मांग की। जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपे ज्ञापन में बालोतरा MBR कॉलेज की छात्रा हिना ने बताया कि बीते दिनों कॉलेज में एक कालांश के दौरान वहाँ पढ़ा रहे एक व्याख्याता ने एक धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए अशोभनीय शब्द बोले, जिसका उसने विरोध किया तो उस पर दबाव बनाकर मामले को खत्म करने को कहा गया और 2 घंटे तक कॉलेज में उसे परेशान किया गया। जब वह किसी तरह से कॉलेज से बाहर आई तो एक युवक ने उसे भला बुरा कहा और मोटरसाइकिल से टक्कर मारी। समाज के प्रतिनिधि मंडल ने जिला पुलिस अधीक्षक से व्याख्याता और बाइक से टक्कर मारने के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। हिस्ट्री की क्लास चल रही थी हमारी, 150-200 बच्चे बैठे थे, तो टीचर ने बोला कि मतलब बहुत गौतम बुद्ध का टॉपिक चल रहा था। टॉपिक चलते चलते सर ने अचानक बोला कि आपको पता है आफ्ताब ने सरदा के 35 टुकड़े कर दिए और उनको रैम तक नहीं आई। मुस्लिम इतने बेरहम है कि उसने 35 टुकड़े करने के बाद भी उसको रैम तक नहीं आई। फिर ऐसे अचानक पूछ ले यहाँ पे मुस्लिम कौन है, मुस्लिम तो कोई नहीं है। तो किसी ने नहीं पूछा भाई कि हाँ यहाँ पे बैठी है मुस्लिम। फिर सर बोलना स्टार्ट हो गए, आपको पता है मुस्लिम ऐसे कहते हैं कि एक हिंदू को मारेंगे तो हज का सवाब मिलेगा और 2 को मारेंगे तो जन्नत मिलेगी। और यहाँ तक कि फिर बोले ये हमको काफिर कहते हैं और ये आतंकवादी है, पाकिस्तानी है और ये हमारे खिलाफ है, इनसे मतलब दूर रहो। यहाँ तक कि फिर मैं वहाँ से उठ गई, बोले कि आप कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला आप सर कह कैसे रहो, ये चीज़ें टॉपिक के अंदर चल रही है क्या? तो बोले नहीं टॉपिक में नहीं चल रही, तो मैं आप कैसे कह रहे हो। तो कि कुरान में लिखा हुआ है। मैंने बोला कुरान में लिखा हुआ मैं पढ़ी हुई, बताओ मुझे कहाँ को लिखा हुआ कुरान के अंदर। तो कि मैं लाके बताऊंगा कुरान में लिखा हुआ है। तो मैं वहाँ से निकल गई। जब मैं ऑफिस के अंदर जाके मैंने बताया तो वहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं लिया, बोले यहीं पे बात दबा दो और बात बाहर मत जाने दो। फिर जब मैं कॉलेज से बाहर निकली तो मेरे को मुँह पे मेरे गेट बंद कर दिया, बोले इस लड़की को बाहर मत जाने दो, अगर बाहर चली गई तो हंगामा हो जाएगा, इसको यहीं पे रखो और बात को यहीं ख़त्म कर दो बताया। फिर मैंने जब घर पे बताया सारी सब चीज़ बताई तो तालिब भाई ने मेरे से पूछा हुआ क्या सब बता तू। तब तालिब भाई ने फिर मेरे से पूछा और मीडिया के अंदर उस राजू चौधरी के वीडियो वायरल हो गए सारे। तब मैडम मेरे घर पे आई और मेरे घर पे आने के बाद में जबरदस्ती मेरे से रिपोर्ट तक लिखवा ली, बोले मैं आपके साथ हूँ और मैं आपका एक्शन लूँगी। लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने भी। 21 तारीख की बात थी, 27 तारीख को मैडम ने रिपोर्ट भी लिखाई लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक भी। ये बालोतरा MBR कॉलेज की असीना जो BA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है वहाँ की, वहाँ कॉलेज में हिस्ट्री की क्लास चल रही थी और वहाँ के ही प्रोफेसर पदम सिंह जी उनके द्वारा टॉपिक से बाहर जाते हुए इस्लाम के ऊपर, मोहम्मद साहब के ऊपर जातिवाद और एक भड़काऊ स्पीच देना कॉलेज के अंदर, जो कि एक विद्या का मंदिर है जहां विद्या से संबंध में बातें आप जो आउट ऑफ सिलेबस बात कर रहे हो, आउट ऑफ कोर्स जाके बात कर रहे हो, ऐसी गलत बयानबाजी करते हो तो ये गलत है। उसके लिए ही 21 तारीख का मैटर था, आज 1 तारीख है। वहाँ पर जहाँ ये केस भी दर्ज करवाने गए वहाँ भी मैडम ने इनके साथ बुरा व्यवहार किया, फिर भी इनका कोई सुनवाई नहीं हो रही उस चीज़ को लेके। आज हम SP साहब के पास आए हैं और यहाँ पे हम ज्ञापन देके हमारी न्याय की मांग करने हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों बालोतरा के MBR कॉलेज में एक कालांश के दौरान एक व्याख्याता द्वारा धर्म विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद बवाल हो गया था। उसके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। विवाद को बढ़ता देख व्याख्याता ने छात्रा और समाज से लिखित माफी मांगी थी, लेकिन यह विवाद थमने की बजाय और ज्यादा बढ़ गया। गुरुवार को इस मामले को लेकर समाज के लोग जिला पुलिस अधीक्षक से मिले और ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।